हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हम सॉन्ग सीखने वाले हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती का एक बहुत ही प्यारा सा गीत हम सीखने वाले हैं। उस गाने का जो टाइटल है वो है दीदी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, तो चलिए इस गाने को सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो पीस सिखा रहा हूँ, उसको मैं सितार इंस्ट्रूमेंट में प्ले कर रहा हूँ। तो शुरू का देखिए आप कैसे बजता है। ये शुरू का है, 4 टाइम्स प्ले होता है जो मैंने अभी प्ले करके बताया। तो मैं शुरू में सिखाता हूँ क्या क्या मैंने नोट्स प्ले किए। पहले मैंने सी शार्प 3 टाइम, फिर डी शार्प प्ले किया। तो ये एक फ्रेज है, सी शार्प डी शार्प, फिर उसके बाद एफ जी शार्प एफ शार्प जी शार्प, ये 2 बार प्ले होगा। और फिर F, G sharp, F sharp, F, D sharp, C sharp। तो ये टोटल 4 टाइम प्ले होता है। कैसे? ठीक है, इतना प्ले करने के बाद इसका पहली लाइन आती है गाने की, वो मैं हारमोनियम पे प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली लाइन क्या है, ठीक है, तो इसमें देखो, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तो दे दी के लिए सी शार्प, दे दी हमें के लिए ए शार्प सी शार्प, हमें तो दे दी हमें सी शार्प ए शार्प सी शार्प, फिर आजादी, तो आजादी के लिए डी शार्प एफ शार्प, आजादी बिना के लिए भी एफ शार्प, बिना, फिर खड़क एफ शार्प जी शार्प, खड़क, फिर बिना के लिए एफ शार्प एफ, बिना, फिर ढाल के लिए डी शार्प एफ ढाल। तो शुरू में देखिए, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के लिए सी शार्प डी शार्प ई डी शार्प, साबरमती, फिर के लिए ई के, संत, फिर संत के लिए भी डी शार्प ई, तूने के लिए डी शार्प सी शार्प, फिर कर दिया के लिए ए शार्प ई डी शार्प, कमाल के लिए सी शार्प। तो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन भी लगभग सेम है, थोड़ा सा चेंज है। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल। तो इसमें कैसा है, आंधी में, आंधी सी शार्प, में ए शार्प, में, भी के लिए सी शार्प, जलती के लिए डी शार्प एफ, और रही के लिए एफ शार्प, तो कितना हो गया, आंधी में भी जलती रही, फिर गांधी तेरी मसाल, इसमें थोड़ा सा फास्ट ये प्ले होता है, गांधी तेरी मसाल, तो गांधी के लिए एफ शार्प जी शार्प ए शार्प, गांधी, तेरी के लिए जी शार्प एफ शार्प जी शार्प, तेरी मसाल के लिए एफ शार्प एफ डी शार्प एफ मसाल। ठीक है,
फिर उसके बाद पहली वाली लाइन रिपीट हो जाती है जो कि हमने सीख लिया, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, जो कि हमने शुरू में सीख ली थी, वही लाइन यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर से ये पूरी लाइन रिपीट हो जाती है, यदि हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उसके बाद लाइन आती है, रघुपति राघव राजा राम, तो वो कैसा है, रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति के लिए डी शार्प ई, डी शार्प ई, रघुपति राघव के लिए सी, सी शार्प डी शार्प ई, राघव, और राजा के लिए राजा डी शार्प ई डी शार्प सी शार्प राजा, राम के लिए सी शार्प। फिर उसके बाद इसका पहला स्टैंजा आता है, सो इसका जैसे पहला स्टैंजा की नोटेशन होगी, बाकी पूरे इसमें 5 स्टैंजा हैं तो बाकी सबके नोटेशन एक जैसी होंगे, तो केवल आपने पहले वाले के ही देखने हैं। तो पहला वाला कैसा है, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, तो धरती के लिए जी शार्प जी शार्प, पे के लिए ए शार्प, लड़ी के लिए बी ए शार्प जी शार्प, तूने के लिए जी शार्प ए शार्प जी शार्प, तो धरती पे लड़ी तूने अजब के लिए एफ शार्प एफ डी शार्प, अजब ढंकी के लिए एफ एफ ढंकी, फिर लड़ाई के लिए एफ शार्प एफ डी शार्प डी शार्प एफ, ठीक है, लड़ाई एफ शार्प एफ डी शार्प एफ लड़ाई, ठीक है। फिर उसके बाद दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, सेम नोटेशन, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, सेम नोटेशन है, ठीक है। पर नेक्स्ट लाइन आती है, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, तो उसकी भी बिल्कुल सेम नोटेशन है, धर दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, तो वो भी सेम नोटेशन है, जी शार्प ए शार्प बी ए शार्प जी शार्प ए शार्प एफ डी शार्प एफ 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 शार्प एफ डी शार्प एफ, तो कुल मिला के जो पहली लाइन है, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, वही नोटेशन, बाकी की जो नेक्स्ट की 2 लाइन्स हैं उनके लिए भी सेम वही नोटेशन है, ठीक है, देख लीजिए आप, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, तो सबके लिए एक जैसा। अब इस वाली लाइन में थोड़ा सा चेंज होगा, वारे फकीर खूब करामात दिखाई, इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो वारे के लिए सी शार्प एफ, वारे फकीर के लिए डी शार्प एफ, फकीर खूब के लिए जी शार्प एफ शार्प खूब, करामत के लिए एफ डी शार्प एफ एफ शार्प डी शार्प, करामत दिखाई के लिए एफ डी शार्प सी शार्प सी शार्प, दिखाई, ठीक है, वारे फकीर खूब करामत दिखाई, ठीक है। तो उसके बाद चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, उसके लिए भी वही नोटेशन रहेगी जो हमने पहले सीखी थी, देखो कैसे, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो वही नोटेशन है सेम, सी शार्प ए शार्प सी शार्प डी शार्प एफ एफ शार्प एफ शार्प एफ शार्प एफ शार्प जी शार्प एफ शार्प एफ डी शार्प एफ, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, ठीक है,
दे दी हमें आजादी बिना खड़के बिना ढाल। सेम है बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, वो भी हमने सीख ली। फिर उसके बाद दे दी हमें आजादी बिना खड़के बिना ढाल, ये भी हमने सीख लिया। साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, ये भी सीख लिया। रघुपति राघव राजा राम, ये भी सीख लिया। फिर उसके बाद सेकंड स्टैंजा, उसकी नोटेशन भी बिल्कुल सेम रहेगी। इसका मैंने एक डेमो भी बनाया है कि कैसे प्ले होगा, वो भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो मैं आपको शुरू से और आखिरी तक पूरा एक स्टैंजा बजा के दिखा लेता हूँ, उसके बाद बाकी सारे स्टैंजा वैसे ही बजेंगे। तो कैसे देखिए, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। पहला स्टैंजा, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। तो उसके बाद सेकंड स्टैंजा शुरू हो जाता है, ठीक है। सेम वही नोटेशन से सेकंड स्टैंजा भी शुरू हो जाता है। सतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना, टक्कर थी बड़ी जोर की दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बाबू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कस के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा का शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा गाना बजेगा, बिल्कुल इजी है। मैं इसके नोटेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो जैसा पहला स्टैंजा बचेगा, बाकी सारे स्टैंजा हू ब वही नोटेशन में प्ले होंगे, तो कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।